सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज जो डेट है यार वो है 24 दिसंबर और अभी जो मैं हूँ अपने घर पे हूँ जमशेदपुर में झारखंड। और यार अभी हम जा रहे हैं जैम स्ट्रीट। सोचा जैम स्ट्रीट में आपको दिखा दूँ, मैं अभी आज तक कभी गया नहीं हूँ जैम स्ट्रीट में। हालांकि लग बहुत सालों से रहा है, मैं हूँ भी जमशेदपुर का ही बट आज तक कभी गया नहीं हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं अभी। सामने का वेदर चेक करो, पूरा फॉग है, पूरा फॉग। और टेम्परेचर लगभग अभी 13 डिग्री के आसपास है और पूरा फॉग जमा हुआ है यहाँ पे। गाइस आप एक बार ये चेक करो, सामने कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, मतलब देख रहे हो कितनी ज़्यादा फॉग है। और अभी निकल तो चुके हैं, लगभग टाइम जो हो गया वो 6:30 के आसपास हो गया है, 6:35 हो रहा है। बट सामने देखो यार कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, एकदम खतरनाक ये सीन है। चलो अभी अपन चलते फटाफट और पहले पिकअप करते दोस्तों को और उसके बाद चलेंगे फिर जैम स्ट्रीट में। दोस्तों साथ जा रहे हैं, सो वो लोग भी अभी आ रहे हैं, ऑन दी वे है। वैसे टाइमिंग तो 6:30 का था बट देखो 6:40 लोगों ने यही बजा दिया है। और चलते हैं, अभी जैसा भी रहता है आपको भी दिखाएंगे। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती है, फन एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ पे, लाइक सिंगिंग वगैरह करते रहते हैं लोग, ओपन माइक चलते रहते हैं, कोई अलग एक्टिविटीज़ रहती है, फन एक्टिविटीज़, तो वो सब रहते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद देखते हैं अपन। प्लान तो है कहीं जाने का बट देखेंगे अभी चलते हैं कि नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। सो पहले पहुँचते हैं और फिर आपको पहुँच चुके अभी और अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। वैसे आप एक बार यहाँ से देख लो, ऐसा कुछ चल रहा है अंदर, बट एक बार अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। देखो ये हॉर्स राइडिंग चल रही है, ये अपना जो अकेडमी खुला है ना सुधारी में रहे, ये उसी का है। और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि फिर आगे क्या क्या एक्टिविटीज और है। यहाँ पे तो फिलहाल बस अभी अपने को डॉग शो दिखा है और बैट दिखा है, तो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। रेस चल रही है, मतलब बिना पैर रखे सबसे धीरे कौन जाएगा तो उसका रेस है। तो यहाँ पे रेस चल रही है और यहाँ पे टीएमएच ने भी अपना स्टॉल लगाया है, जो कि मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगते हैं ये सब अपने प्रमोशन के लिए होते हैं, तो उसी के लिए है ये। के दिल का कहा मैं किसी का ना रहा। सो गाइस आप पीछे देख सकते हो मेरे ये बस जो खड़ी है, और अभी आपको लग रहा होगा कि जैम स्ट्रीट से हम डायरेक्ट कहाँ आ गए। सो अचानक से मैं पिकनिक में निकल गया, मतलब फैमिली पिकनिक जा रही थी तो मैं भी साथ में आ गया हूँ। तो जो जा रहे डेस्टिनेशन जो है अपना वो है हुंड्रू फॉल, जो कि रांची में है। और अभी देखो ये हाईवे पे खड़े हैं, NH-33 अपना टाटा रांची हाईवे। तो वही अब डायरेक्ट जैम स्ट्रीट से निकले, वहाँ पर जैमिंग वगैरह की और उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्ट निकल के इधर ही आ गए हैं। तो अब यहीं से जाएंगे हम लोग पिकनिक पे। और बस देखो आप सामने बस खड़ी है अपनी, ये राइट। जैम स्ट्रीट में भी काफ़ी मज़ा आया था अपने को, तो वहाँ भी मतलब काफ़ी फन किया हमने। और जैमिंग तो आपने देखी ली कि वहाँ पे भी हमने करी ली थी, रैंडम 2-3 बंदे थे गिटार बजा रहे थे, मैं भी जाके साथ में गाने लगा। और भाई जो क्राउड इकट्ठा हुआ उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 100+ पीपल आ गए थे क्राउड में, सो वो भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। तो अभी देखो हम यहाँ रुके हुए हैं वर्मा ढाब करके। हम लोग हुंड्रू फॉल और यहाँ पे भी देखो अपना ऊपर खाने पीने का सेटअप लग रहा है पहले तो, और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए। सो इसके बाद लोग बैठे और यहाँ पे अपनी बस लगी हुई है और उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, जो कि यहाँ से मतलब आगे से रास्ता है उसका। सो उधर चलेंगे नीचे, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो यही है मेन अपना फॉल, और ये देखो भाई यहाँ पे जिप लाइन भी होती है नीचे। और ये देखो भाई यही है मेन अपना वाटरफॉल, और वहाँ नीचे जाना है हम लोग को, जहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ नीचे जाना है, तो इस जगह का व्यू आता है पूरा यहाँ से ऊपर से। देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है, मतलब ये माउंटेन्स देखने में यार काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। और मैंने अपने को भी नीचे जाना है तो नीचे चलते हुए देखते हैं। और ये आप देखो यहाँ से प्रॉपर नहाने का जगह है ये पूरा। अब देख लो भाई कितनी खतरनाक है यहाँ पे, ये पत्थर बने हुए हैं, सो इनमें से चल के जाना पड़ेगा। ये भाई ये यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल है, और मेन तो भाई ये जो सीधा दिख रहा है ना आपको नीचे जा रहा है, मेन तो ये सीधा नीचे जाके है, तो उसके वो देखने के लिए अपने नीचे जाना पड़ेगा। बट ये छोटे छोटे हैं, यहाँ पे पानी आ रहा है। जा रहे फॉल देखने। और ये मार्केट देखो, यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है और यहाँ पे ना वुडन के काफ़ी आइटम मिल रहे हैं, मतलब। और एक स्वॉर्ड मिल रही है वुड वाली, सो वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले दिख जाए यहाँ पे कहीं, मेरे को पीछे थी, मैंने पीछे दिखाना भूल गया आपको, सो वो भी आपको एक बार दिखा देंगे। यहाँ पे प्रॉपर वुड के सामान मिल रहा है। इधर बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है। तो चलते यार, बहुत नीचे जाना पड़ेगा फॉल के लिए। तो स्वॉर्ड है जिसके बारे में बता रहा था आपको, यार देखो ये वो स्वॉर्ड है, काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब काफ़ी भारी भी है, छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है। और यही मैं बता रहा था वो जो पेंट का आइटम है, और नीचे लकड़ी के बने हुए करछुल वगैरह है। चलो अभी देखिए, देखो नीचे जा रहे हैं, वहाँ गेट पर एंट्री टिकट थी 10 रुपये की, बट अपने तीनों को लगी नहीं। वो क्यों नहीं लगी वो तो बात की बात है भाई। चलो अभी चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं फॉल्स। तो काफ़ी भीड़ है यार, मतलब काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और ये जो अपना फॉल्स है ना, ये इंडिया का 34वां लार्जेस्ट फॉल है, तो वो भी एक चीज़ है। काफ़ी नीचे यार, मतलब अभी तक हमको लग रहा है कि करीबन 100 सीढ़ी तक उतर ही चुके होंगे अभी, और चले ही जा रहे, पता नहीं कितना नीचे है। और तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है। बट यार व्यू देखो आप, कितना शानदार व्यू आता है यहाँ से। ये जो माउंटेन रेंज आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। कैमरा में तो उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बट रियल लाइफ में काफ़ी बेटर है। 745 सीढ़ी है, बाप रे। हालत बहुत ख़राब हो गई है। आप एक बार यहाँ देखो, एकदम सन एकदम सर पे, और सामने पहाड़। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, क्योंकि आवाज़ तो आ ही रही झरने की। बट यार जो चढ़ने में, उतरने में भी सिर्फ हालत ख़राब हुई है ना, बता नहीं सकता चढ़ने में तो क्या ही होगा, फिर तो आप समझ ही जाओ। टोटल 745 सीढ़ी, और उसके बाद ये वॉकिंग ट्रैक अलग से। सो एकदम पहुँच चुके झरने के पास, ये देखो। और यार इतना कुछ खास व्यू नहीं है यार, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी खास व्यू नहीं है। और इतना चल के आना पड़ा ऊपर से, वो अलग चीज़ है। यही है वाटरफॉल। और यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी पब्लिक आई है। भीड़ देख सकते, चेक करो एक बार कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यार देखने में ठीक ही है, बट पानी का फ्लो काफ़ी कम है अभी। मानसून के टाइम भाई काफ़ी बढ़िया रहता है। आपको पहले बताया है कि ये इंडिया का 34वां लार्जेस्ट वाटरफॉल है, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। बट उतना खास व्यू नहीं है यार, क्योंकि बहुत ऊपर से आए हैं हम। 745 सीढ़ी, और उसके अलावा ही वॉक करके आप लेजिट मेरे पैर काँप रहे हैं, सो भी क्या ही बोलूँ। ट्राई करते हैं उधर जाने का, उधर जाके एक फ़ोटो वोटो लेंगे थोड़ी बढ़िया सी, तो उधर जाके एक बार ट्राई करते हैं। देखो हम बैरिकेटिंग भी की हुई है, क्योंकि इसका आगे बहुत गहरा हो सकता है, इसीलिए हम बैरिकेटिंग कर दी हुई है। और अभी चलते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं एक बार कैसा व्यू आता है। देखते हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि पैर काफ़ी काँप रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के आए हम, तो पैर काफ़ी ज़्यादा काँप रहे हैं। सो देखते हैं उधर जाना होता है कि नहीं, अगर जाएंगे तो आपको भी दिखा देंगे। देखिए एकदम नीचे आ गए यहाँ पे, आपको दिखाया था ना ये ऊपर से। और भाई आते तो मैं गिर भी गया पानी में, सो पूरा भीग गया हूँ, देख रहे हो आप, पूरा भीग गया हूँ। बढ़िया, काफ़ी मज़ा आ रहा है, पानी बहुत ठंडा है। और ये देखो भाई, ऐसा कुछ व्यू आ रहा है यहाँ से, और कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। देखो पैर कितना गंदा शिवर कर रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। अभी हम ये जिपलाइन वाली एक्टिविटी करने के लिए आए हैं, जिसका 300 का पर पर्सन का टिकट था। सो यहाँ पे, यहाँ से लेके आप देखो वहाँ तक है पूरा, और फिर वहाँ से वापस। सो 2 वे का 300 है। और ये देखो ऐसा कुछ टिकट है इसका, 300 रुपीज़। सब चलते और ये वाली एक्टिविटी करते हैं पहले, ऑलरेडी फॉर द जिपलाइन। और चलते जिपलाइन में और देखते हैं। वैसे मैंने पहले भी कर रखा, मेरी अकेडमी में था, तो एक बार यहाँ पे वैसे, लेकिन बोला थोड़ा छोटा था, ये वाला काफ़ी बड़ा है। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया इतने बड़े से प्लान में। चलिए देखते हैं। स्टेयर्स लगे हुए, सो ऊपर जाना, और ऊपर से फिर वहाँ पे जाना है, और डन भी वहीं से होगी। तो चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जस्ट जिपलाइन करके आया, और क्या एक्सपीरियंस था यार, मतलब ऑसम एक्सपीरियंस, ऑसम मज़ा आ गया, मतलब वर्थ इट था, वर्थ इट। और जो मज़ा आया ना यार, मतलब क्या ही बताएं आपको। अभी निकल चुके हैं यहाँ से, फिर काफ़ी लेट हो गया, मेरे को लग रहा है 11 तो बज जाएगा पहुँचते। और अभी अपना जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो पंचवटी में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। झांझी से मतलब रांची आएगा और रबड़ी घाट खाई फिर बाकी तो पंचवटी में रुकेंगे, वहाँ से रबड़ी पैक कराएंगे और फिर घर के। चेक करो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मतलब देख लो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है सनसेट देखने में। एज आई सेड कि पंचवटी में रुकेंगे, सो आप यहाँ देख सकते हैं पंचवटी में रुके और ये पैक भी करा लिया। सो अब निकलते हैं यहाँ से फिर और घर पहुँचेंगे जल्दी से। यहाँ से मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का ब्लॉग और लगने वाला है अपने को पहुँचते पहुँचते। सो इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जैम स्ट्रीट भी दिखा दिया आपको और जो हुंड्रू फॉल्स कहते हैं उसका भी आपको व्यू दे दिया। सो आपको होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।